दिस इज टाटा टाइम। स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी? काफ़ी टाइम से आपसे रूबरू नहीं हुए थे, सोचा क्यों ना आज एक वीडियो किया जाए और आप लोगों से मिला जाए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, मैं इसको चुप नहीं करवा सकता, आज काफ़ी मछला हुआ है तो इससे ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। बाकी दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोगों से मिले नहीं थे तो सोचा आज एक वीडियो किया जाए, आप लोगों को एक रिव्यू दिया जाए विच इज़ अजीम टाइगर का। बट उससे पहले दोस्तों, आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे हो रही है पतंगबाजी, बिकॉज़ हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही वीकली, मतलब हफ्ते में एक दिन, वो भी अगर हवा ना आए तो वो भी बुरा हाल रहता है। कभी बारिश का दिन होता है, समझ नहीं आ रहा बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी हवा आ रही है कभी हवा जा रही है। आप बताइए आपके एरिया में, मतलब पंजाब में सुना है लखनऊ में हो गई है स्टार्ट काफ़ी, गुजरात भी ये टाइम है मौसम का, हैदराबाद भी चल रही है। बाकी बताइए और कहाँ कहाँ पे मौसम आ चुका है पतंगबाजी का, छतों का रिव्यू कीजिए, कुछ भेजिए अपने बारे में, कुछ दिखाइए अपने वहाँ की वीडियो। डेफिनेटली अगर अच्छी वीडियो होगी तो हम उसको अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर और लोगों को दिखाएंगे आपके आपके शहर की पतंगबाजी। बाकी दोस्तों, वंस अगेन स्पेशल मैसेज कि भैया चाइनीज़ मांझे को बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हो सके जितना हो सके लोगों को समझाइए ताकि चाइनीज़ मांझा बिल्कुल ना उड़े, अदरवाइज एक दिन चाइनीज़ मांझा कहर बन जाएगा हमारे लिए। बाकी दोस्तों, काफ़ी दिनों से रिव्यूज़ नहीं आया तो सोचा एक रिव्यू किया जाए आपके लिए। जैसे मैंने बताया कि पिछले हफ्ते मैंने इसका पोस्ट डाला था कि कमिंग सून, तो आज का रिव्यू है एक बहुत ही मतलब अच्छे मेकर है। इनका पहले भी एक वीडियो मांझे का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, सब बताऊँगा आगे वीडियो के अंदर। उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग को। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं अच्छे मांझों के, अच्छी पतंगों के, और डिस्कस करते हैं मांझों और पतंगों के बारे में। हम चाइनीज़ मांझे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हम उसको बायकॉट करते हैं। बाकी दोस्तों, आपके सामने चरखी रखी हुई है विच इज़ अजीम मांझा, आपने देख लिया होगा। इनसे पहले मैंने इनके एक नॉर्मल ब्लॉक का किया था जिसका कीमत आई थिंक 1550 थी, बट बहुत ही कहते ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था, बहुत ही बढ़िया, और रखने के बाद तो और भी अच्छे रिजल्ट आ रहे उसके। उसके बाद इनका तहलका आता है, उसका वो हमने ट्राई नहीं किया। फिर ये आता है 929 जो मेरे पास है, और इसके बाद आता है रेड अलर्ट जो उनका सबसे टॉप है, उसका भी रिव्यू लाएंगे हम आपके लिए रेड अलर्ट का भी, क्योंकि वो भी अपने पास है। बट आज का रिव्यू 929 स्पेशल है, बहुत ही बेहतरीन डोर है। पूरा बताएंगे इस डोर के बारे में कि डोर में क्या खासियत है, क्या अच्छी लगी हमें, और कैसे आप इस डोर को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं अनरैप, बिकॉज अनरैप करे बिना तो आप मांझा देख नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं सामने चरखी रखी हुई है जिसपे इस तरीके से रैपर आता है, इस पर लिखा होता है अजीम टाइगर स्पेशल मांझा मैदानी मांझा मेकर, सॉरी 929 विच इज़ ब्लॉक का नेम। शौकीनों के लिए खासकर हर हम टूर्नामेंट के लिए खास डोर तैयार करते हैं। तो 123 की डोर पे दोस्तों आराम से आप इसको मैदान में लड़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज 123 की डोर हर जगह अलाउड है, बाकी छतों पे सब कुछ चलता ही है। और आपको रैपर दिखा दिया, सब कुछ देखिए 929 की वेजिंग है, ये फ़ोन नंबर्स भी हैं इनके, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाल दूंगा, आप इनसे भी बाय कर सकते हैं। नहीं तो मनीष भाई इलाहाबाद में जो इनके मांझों का काफ़ मतलब इनका आपने देखा भी होगा कई बार इनके मांझों पे इनके स्टिकर भी लगा हुआ था, तो आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं आपको चरखी, ये देखिए चरखी दोस्तों। वैसे मैं यूजली डार्क कलर्स ही लेता हूँ, लेकिन इस बार मेकर ने अपने आप ये कलर लगा के भेजा, क्योंकि तो ऐसा ही टोल्यू मैं कभी भी कलर की डिमांड नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बट यकीन मानिए अगर आपको दिख रहा होगा तो इस क्वालिटी में काफ़ी अच्छे बल आपको दिख रहे हैं खुले हुए, काफ़ी हार्डवर्क किया हुआ है, काफ़ी मतलब डोर मतलब जो मैंने हाथ में ली थी तभी मैंने कहा था कि उनको फ़ोन किया था कि आपने डोर बहुत लाजवाब बनाई है, दिख रहा है कि आपने काफ़ी हार्डवर्क किया हुआ है। आप समझ रहे हैं मतलब कि एक ना कि बल हल्के हल्के बल खुल गए हैं, इतने तरीके से हार्ड टाइट मारा गया है। कुछ इस तरीके की चरखी आती है, आपको बैजिंग नहीं दिख पाएगी क्योंकि काफ़ी मांझा अभी इस पर चढ़ा हुआ है,
ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, और चरखी में वेट काफ़ी अच्छा है, तो पूरी गारंटी है कि भैया डोर अच्छी होगी, डोर पूरी निकलेगी। तो ये तो फ़ायदा होता है कि जब हम डोर लेते हैं मांझा मेकर से, बट फिर भी ये चरखी के वेट से दिख रहा है, काफ़ी चरखी में वेट है, तो डोर पूरी निकलने की गारंटी है। आपको दिखाते हैं अब डोर। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी डोर निकाली है हमने इनकी। अगर फोकस, हाँ फोकस हो गया हो गया हो गया, फोकस हो गया। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत बारीक डोर, जैसे मैं बारीक डोर बताता हूँ, बिल्कुल बारीक डोर नहीं है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि हल्की सी चढ़ी हुई डोर है, लेकिन जिस तरीके से इसकी सुताई हुई है ना, जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, जो इसके अंदर शार्पनेस है ना, मतलब एक शार्पनेस नहीं, प्रॉपर शार्पनेस जो होता है, बिल्कुल खड़ा हुआ कांटा चुभता है वैसा नहीं लगेगा, बहुत एक कहते ना कि मीठी वाली, मतलब तो हल्का सा स्मूथनेस का एहसास होता है आपको, आएगा शार्पनेस का, बिल्कुल जितना कि एक तार हो गई हो, बिल्कुल कड़क तार है एकदम, ये इस टाइम पे बहुत ही कड़क तार है। अब देख सकते हैं कि बारीक नहीं है, जैसे मैं बारीक डोर का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन जो इसकी सुताई है और जिस तरीके इसके बल खुल रहे हैं और जिस तरीके सुताई हुई है, तो ये आराम से आपके 800 से 1000 मीटर पे उड़ने वाली डोर है दोस्तों, बहुत प्यार से उड़ेगी डोर दोस्तों। और जो सुताई है दोस्तों, यकीन मानिए, आप जब इस पर हाथ फिराएंगे तो आपको एक वो मीठा मीठा होता है ना कि चुभ रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, तो हल्की स्मूथनेस या मीठा मीठा, मतलब अच्छी धार है, बहुत ही बेहतरीन धार है, पर बिल्कुल कहते हैं ना कि खड़ी हुई धार नहीं बोलूंगी। इससे होता है ना कि जो आप बोलते हैं कि 1300 1400 मांझे में बिल्कुल दो हाथ मार के मांझे को बिठाते हैं, वैसा नहीं है, सुताई बहुत प्यारी करी हुई है, आप देख सकते हैं, मतलब आप जब हाथ फेरेंगे ना तो आपको एक वो लगेगा कि एक मीठा मीठा सा चुभन होगी, बट साथ में स्मूथनेस का भी एक आनंद आएगा, तो उस तरीके की डोर है दोस्तों ये तो। और यकीन मानें दोस्तों, जो ऐसी साइकिल होती है ना, बहुत बढ़िया काम करती है, बिकॉज इन पे चढ़ा होता है अच्छा माल, और जल्दी से घाव नहीं खाती हैं, और लंबे पेचों के लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब 800 1000 मीटर के पेच पे तो आप इसको आराम से फंसा के लड़ा दीजिए, और खींच के लिए जिस तरीके इसकी धार है, तो खींच का पेच तो बहुत ही बढ़िया काटेगा, और सर्दी के मौसम के लिए, खासकर इस मौसम के लिए जिस तरीके से डोर बनी है, तो इस मौसम में बहुत ही लाजवाब काम करेगी। तो ओवरऑल इसका रिव्यू ये है कि इसका प्राइस 2000 रुपये है विदाउट कोरियर। उसमें इसका रिव्यू ये है कि एक जो इसकी सुताई है ना, बहुत ही मीठी, मतलब बहुत अच्छी शार्पनेस, कड़क डोर है, बट एक स्मूथनेस का भी फील आता है उसके अंदर, और आराम से 800 से 1000 मीटर की रेंज पर लड़ने वाली डोर है दोस्तों। तो 2000 रुपये के अंदर आपको अगर डोर देख रहे हैं आप, अच्छी ऐसी सुताई जिसमें शार्पनेस और स्मूथनेस का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, और थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक अलग ही फीलिंग आए, और अच्छी चढ़ी हुई डोर हो, तो आप अजीम जी का 929 जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए बिल्कुल रिगेट नहीं होगा आपको, बढ़िया पेचों के लिए बढ़िया डोर, और बहुत ही बढ़िया सुताई की हुई डोर है दोस्तों ये। तो ओवरऑल रिव्यू 2000 के अंदर 800 से 1000 मीटर के लिए एक बेहतर बेहतरीन डोर, अच्छी सुताई के साथ, जिसपे आप मतलब फील कर सकते हो स्मूथनेस और शार्पनेस का नाइस कॉम्बिनेशन, और कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से बनाई गई डोर, जिसके जिसकी वजह से इस पर आपको बल भी हल्के हल्के, इसको आपको इसकी रग खुली हुई मिल जाएगी, बहुत मतलब दिख रहा है कि हाथ बहुत टाइट मारा गया, इसलिए ये मतलब ये लगा ले, बल खुलने का मतलब ये है कि बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर, और सर्दियों के लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, आप सर्दियों में जैसे आप उड़ा रहे हैं तो इस डोर को जरूर कंसिडर कीजिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और अच्छी क्वालिटी, एक प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी 2000 रुपये के अंदर, तो उसके लिए आप 99 को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो को रैप अप, जल्दी लाएंगे नई वीडियो, तब तक के लिए यूं ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते रहिए दोस्तों।